तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? पहले कहा मेरे बाबा नहीं आएंगे और जब एन वक्त पे आए तो शादी का शगुन साथ लेके आए। ये सब ड्रामा मेरे सामने मत करना क्योंकि मैं सब समझता हूं। दामाद जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। सॉरी सर लेकिन मैं आपका दामाद नहीं हूं। शिव बेटा तुम हमारे दामाद तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने ईशानी की मांग में सिंदूर भर दिया था और उसके गले में मंगलसूत्र। वो सब शिव प्लीज मेरे बाबा की ऐसी बेइज्जती मत कर, कोई सुन लेगा। ईशु ने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने ये सब ईशु और शिव के बीच में टेंशन और बढ़ जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया है। शिव ने उस दिन उससे जो शादी की है वो कोई मजाक नहीं किया है, मांग में सिंदूर भरी है उसने। अच्छा सुन, मैं किरण जी से मिलके घर जा रहा हूँ, तू चल रही है मेरे साथ? नहीं बाबा, मुझे होटल जाना है, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, मैं उनसे मिलकर घर जाता हूँ। मिलते हैं। पूजा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? नहीं सर, मुझे ड्यूटी पर जाना है और लेट गई तो सैलरी कट जाएगी मेरी। मुझ जैसी गरीब लड़की के औकात के बाहर है ना ये। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को क्या लगता है, क्या सोच के बैठे हो तुम लोग कि तुम शिव धूपर के नाम की मेहंदी लगाओगी, कि तुम शिव धूपर की बीवी बनोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। गॉड डैम इट, शिव मुझे देखने दो। दूर हटो मुझसे। शिव मुझे देखने दो, मुझे देखने तो दो एक बार। पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। शिव एक मिनट देखने दो। अभी दूसरों की भी बात सुन लिया करो। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।